हेलो दोस्तों, मैं टाइम एंड कैलेंडर क्लास थ्री का वर्कशीट थ्री बता रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहला दिया हुआ है दोस्तों, तो द आवर हैंड एंड द इज बिटवीन सिक्स एंड सेवन, या सिक्स और सेवन के बीच में दिया आवर हैंड है ना। तो एट, उसके बाद है मिनट हैंड, एट एट में है। तो मिनट हैंड जो होता है ना दोस्तों, एट एट को फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एट फाइव जब 40, तो 40 मिनट हुआ। तो इसका मतलब ये सिक्स और सेवन के बीच में ना, तो छोटा वाला लिया जाता है 6:40। तो 6:40, इसको हम लोग जो लिखते हैं, तो ये 6:40 मतलब 6 बजने में 40 मिनट ज़्यादा है, 6:40 ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो पास्ट लगाते हैं, लेकिन इसी को अगर ऐसा बोलते हैं 7 बजने में 5, 10, 15, 20 मिनट कम है, तो 2 लगाते हैं है ना। तो 2 भी लगा सकते हैं और पास्ट भी। तो ज़्यादा बोलना है तो पास्ट और कम बोलना है तो 2। ये तो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ से लिख के बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ चलिए बी नंबर में, द आवर हैंड इज बिटवीन, देखिए आवर में हैंड 4 एंड 5 के बीच में है। तो इस वाला ब्लैंक्स में लिखा जाएगा 4 एंड इस वाला ब्लैंक्स में 5, 4 और 5 के बीच में है। उसके बाद द मिनट हैंड इज 8 डैश, मिनट हैंड 2 में है दोस्तों। तो कितना मिनट होगा, तो 2, अभी जस्ट बोले 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 5 जा 10। इसका मतलब 10, यहाँ 10 लिखा जाएगा, दिक्कत। मिनट हैंड 8 2 में है दोस्तों, यहाँ 2 लिखा जाएगा है ना। तो मिनट 10 होगा, यहाँ 2 लिखे लेकिन लिखेंगे। अब टाइम क्या हुआ, यहाँ लिख के बता रहा हूँ। तो टाइम मतलब क्या होगा, 10 मिनट, पहले ये लिख देता हूँ, कितना बजकर, 4:10 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 10 मिनट पास्ट कितना, तो 4। समझ में आया होगा, 10 मिनट पास्ट 4। मतलब यहाँ देखिए, फिर से बताता हूँ, 4 और 5 के बीच में ना, तो 4 लेंगे आवर हैंड, पीछे वाला लेते हैं। और ये आपको जितना मिनट है उसको मल्टीप्लाई करना, जैसे यहाँ रहता तो 5 5 जा 25 मिनट होता। तो 1 नंबर बता, ये बता दिए मैं बी नंबर। अगला बता रहा हूँ सी नंबर, द आवर हैंड इज बिटवीन, आवर हैंड देखिए दोस्तों 8 और 9 के बीच में है। तो यहाँ 8 लिखेंगे इसमें एंड इसमें 9 लिखा जाएगा। और द मिनट हैंड इज 8 डैश, मिनट हैंड कितना है, 4 में है। तो यहाँ इसमें 4 लिखेंगे दोस्तों। तो मिनट कितना, पहले आवर कितना हो गया, 8:04 5 जा 20, 20 मिनट हो गया। लेकिन इसको लैंग्वेज में लिखेंगे कितना, 20 मिनट, MINUT, पास्ट कितना, 8। उसके बाद सी के बाद डी नंबर बता रहा हूँ, द आवर हैंड इज बिटवीन, आवर हैंड जो है 10 और 11 के बीच में है। तो 10 एंड 11। उसके बाद है द मिनट हैंड 8 कितना में है, तो 9 में है। तो मिनट हैंड यहाँ 9, इस ब्लैंक्स में 9 भरा जाएगा। तो टाइम कितना हो गया दोस्तों, 10:09:45, लेकिन इसको लिखेंगे कितने, 45 मिनट पास्ट कितना, पास्ट 10। दोस्तों इसको और तरह से बोल सकते थे, तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं 11 बजने में 15 मिनट कम है, तो उसको यहाँ 15 अगर लिखते हैं ना, 15 मिनट, तो पास्ट नहीं 2, उसके बाद यहाँ 10 नहीं 11 लिखना पड़ता। थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, वो आगे जाके पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट है दोस्तों 2 नंबर, राइट द फॉलोइंग टाइम इन नंबर, नंबर में दिया हुआ है उसको, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। दोस्तों हाफ पास्ट 4, हाफ मतलब होता 30 मिनट को हाफ कहते हैं, और 50 मिनट को क्वार्टर कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और पास्ट मतलब ज़्यादा, इसलिए 4:30 ए नंबर में हो जाएगा, 4:30। उसके बाद है बी नंबर में, क्वार्टर मतलब होता है 15 मिनट, क्वार्टर पास्ट 9 मतलब 9:15, मतलब 9 बजने में 15 मिनट ज़्यादा, पास्ट मतलब ज़्यादा होता है। सी नंबर में 20 मिनट पास्ट 6 मतलब 6:20। उसके बाद डी नंबर में है 10 मिनट 2:03 मतलब 10 मिनट कम 3 बजने, मतलब 2:50। दोस्तों ये वाला थोड़ा सा हार्ड है, सबसे भयानक यही है, ये उल्टा करके दिया हुआ, 2 मतलब कम और 3 बजने में 2 मिनट कम, इसका मतलब 2 बजकर है ना, 3 बजने में 10 मिनट कम, 2:15 है ना, ऐसा होगा।
ध्यान रखिएगा इसमें, किस में, तो अब इस वाला डी वाला बोले, ई नंबर में है क्वार्टर टू टू, यहाँ भी है क्वार्टर मतलब 15 मिनट कम, कितना में, टू बजने में, तो इसका मतलब 1:45, ये भी भयानक है, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको शायद थोड़ा सा मिस हुआ, ई लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, टू मतलब कम है, क्वार्टर मतलब 15 मिनट, तो 15 मिनट टू बजने में 15 मिनट कम, इसका मतलब 1:45। उसके बाद एफ नंबर में है 15:07, ये फिर ठीक है, पास्ट वाला आपको ठीक लगेगा, मतलब 7:15, समझ में आ गया दोस्तों, ये मैंने टू बता दिया। अब थ्री बता रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने बताया था राइट द फॉलोइंग टाइम इन वर्ड, वर्ड में लिखना है, फर्स्ट वन इज दोस्तों 15 मिनट ज़्यादा है तो कितना लिखेंगे, 15 मिनट पास्ट, ज़्यादा है तो पास्ट, ये लिखा हुआ ए, बी बता रहा हूँ थ्री का, तो 4:35, तो लिख देंगे 35 मिनट, कितना, तो पास्ट फोर। उसके बाद दोस्तों बी नंबर लिख दिया, सी नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, तो 10 मिनट ज़्यादा है 11:00, तो 10 मिनट पास्ट 11। उसके बाद है यहाँ 12:05, तो 5 मिनट पास्ट 12। नेक्स्ट बता रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट फोर नंबर में है दोस्तों, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, मतलब कितना टाइम दिखा रहा है, राइट इन वर्ड एंड नंबर दोनों में दिखाना है, फर्स्ट है दोस्तों, ये देखिए, ये छोटा वाला आवर हैंड होता है, बड़ा वाला मिनट हैंड, तो ये 7 और 8 के बीच में है, तो 7 होगा, 7:00, ये 1 में है, तो 1:05, मतलब 7:05 है ना, 7:05 हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 5:07, तो मैं ए बना हुआ है, बी बता रहा हूँ दोस्तों, 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ बच रहा है कितना 4, और यहाँ देखिए 9 में है, तो 9:45, तो 4:45 हो रहा है, इसको दो तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, तीन तरह से लिख सकते हैं, मैं तीनों लिख के बता रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे। पहला तो क्या हो सकता है 45 minutes पास्ट 4, एक ऐसा हो सकता है, कोई बच्चा कहेगा नहीं 15 मिनट कम है, कितना में, 4 बजने में, तो वो भी हो सकता है 15 मिनट टू, कितना बजने में, तो दोस्तों 4 बजने में, यहाँ 3 होगा, सॉरी यहाँ 3:45, तो यहाँ भी 3:45, देखिए ना 3 और 4 के बीच में, तो 3 लेंगे, 3:45, तो यहाँ 15:03, यहाँ 3:45, कोई बच्चा ऐसा बोलेगा 4 बजने में 15 मिनट कम है, तो 15:04, या दोस्तों 15 मिनट को क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर टू फोर, ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब ये भी बोल सकते हैं, ये भी, तीनों सही है, आपको जो एडॉप्ट करना है, जो अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ मिस मत कीजिएगा, मैंने लिखने में मिस हो गया, 3 और 4 के बीच में है, तो पीछे वाला लिया जाता है ना, जब पास्ट लगाते हैं, तो 2 लगाते हैं तभी आगे वाला लिया जाता है। नेक्स्ट बता रहे हैं, उसके बाद सी नंबर में है 4 और 5 के बीच में है, दोस्तों 4 बज रहा है, और कितना मिनट हो रहा है, 10 में है, तो 10:50 हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 50 मिनट्स पास्ट कितना 4, या 10, कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है ना दोस्तों, 10 मिनट कम है, कितना 5 बजने में, तो वो भी लिख देता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको वो वाला लिख दे आंसर ऑप्शन में और आप गलत बना दिया, 10 मिनट टू कितना 5, क्योंकि 5 बजने में 10 मिनट कम है ना, तो ये बता सी, यहाँ बता रहा हूँ डी दोस्तों, इसमें देखिए कितना 9 और 10 के बीच में है, तो इसका मतलब 9 बज रहा है, 9:03 है, तो 3:05 हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा कितना 15 मिनट्स पास्ट 9। दोस्तों 15 मिनट को क्वार्टर बोलते हैं, QUARTER, क्वार्टर पास्ट 9, दोस्तों ये भी सही, ये भी सही, इसमें तो 2 लगा के उल्टा बनाया है, लेकिन उसमें 2 नहीं, इसमें सिर्फ इसको चेंज किए हैं, 15 मिनट को क्वार्टर बोलते हैं ना, तो ऐसा भी ऑप्शन रहेगा, इसलिए दोनों में बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े। नेक्स्ट ई नंबर में है दोस्तों,
इसमें देखिए 10 और 11 के बीच में है, तो 10 बजकर कितना मिनट, 20 मिनट हो रहा है दोस्तों। इसमें ऐसा लिख सकते हैं 20 मिनट्स पास्ट कितना, तो 10 दोस्तों, क्योंकि 15 मिनट को दूसरे तरह से लिख नहीं सकते, इसका एक ही होगा। एफ नंबर में देखिए 4, 5 और 6 के बीच में है, तो हो जाएगा 5, और ये 2 में है, 2, 2, 5 जो 10, तो 5, 10 हो गया, 5 बजकर 10। तो इसमें 10 मिनट्स पास्ट 5 दोस्तों। अगर दोस्तों ये वाला जो है यहाँ लिखा जाता है, ये वाला यहाँ लिखा जाएगा, अब मैं उल्टा हो गया है, ये वाला यहाँ लिखना और ये वाला यहाँ। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।